ओह, चॉकलेट खाएंगे आप? मुझे पता है, जो मीठा खाने के शौकीन होते हैं ना, उनको चॉकलेट पसंद ना हो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि चॉकलेट खाने के साथ साथ आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है वो आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपको बता दूँ कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो जब आप अंत तक देख लेंगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस तरह के और वीडियोस देखना चाहेंगे बिजनेस से रिलेटेड। तो चलिए, आज चॉकलेट खाएंगे भी, खिलाएंगे भी, और हाँ, बिजनेस भी बताएंगे। तो चॉकलेट खाने के जो लोग शौकीन हैं, उन लोगों को पता ही होगा कि चॉकलेट्स के कितने सारे ब्रांड्स हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो स्पेशली चॉकलेट्स अब्रॉड से मंगवाते हैं कि भाई मुझे ये चॉकलेट बहुत पसंद है और मेरे लिए ये चॉकलेट लेते आना, या फिर मेरे को कुरियर करवा देना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट का जो बिज़नेस है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख के अंदर आप शुरू कर सकते हैं? तो चलिए आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आप चॉकलेट का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं। ब्रांड के नाम से चॉकलेट खरीदने वाला भी आज होममेड चॉकलेट की मांग करने लगा है। चॉकलेट की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए चॉकलेट मेकिंग शुरू कर आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आसानी से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शुरू में आप कम पूंजी में इसकी शुरुआत करके मांग बढ़ने पर इसका विस्तार कर सकते हैं। हर रोज 1000 चॉकलेट तैयार करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। मशीन और आवश्यक सामग्री पर खर्च। डबल बॉयलर का एक बर्तन जिसकी कीमत है 550 रुपये। बॉयलर के अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ये है मोल्ड, चॉकलेट मोल्ड। इसमें अलग अलग शेप्स बनी हुई हैं जिसमें आप चॉकलेट बना सकते हैं, और ये मैंने कहीं दूर से नहीं लिया है, ना ही मैंने कहीं से मंगवाया है, ये मैंने अपने आसपास से एक दुकान है, बर्तन की दुकान, वहीं से लिया है। और ये जो मोल्ड्स हैं ना, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। मेरे पास जो मोल्ड है, मेरे घर पर जो मोल्ड है वो सिलिकॉन का है, इसको सिलिकॉन का मोल्ड कहते हैं। अलग अलग प्लास्टिक के मोल्ड्स भी आते हैं, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। इसकी कीमत आपको बता देते हैं कि आपको कितने का ये मोल्ड पड़ता है। हर मोल्ड की कीमत है 20 रुपये। इस तरह के आपको कम से कम 10 मोल्ड चाहिए, यानी कि 200 रुपये खर्च होगा इस पर। फिर ज़रूरत होगी रैपर्स की। बाजार में चॉकलेट के रंगीन रैपर्स आसानी से मिल जाते हैं, और 300 रैपर्स के एक पैकेट की कीमत है 60 रुपये। ट्विस्टर्स, चॉकलेट रैप करने के बाद उस पर लपेटी जाने वाली तार को ट्विस्टर या मेटल कॉलर्स कहते हैं, जिसकी कीमत है 20 रुपये। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, चॉकलेट सेट करने के लिए रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत होती है, जिसकी कीमत 5,499 रुपये से शुरू होती है। तो बेसिकली चॉकलेट बिजनेस के लिए कुल मिलाकर 10,000 का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। थोड़े बड़े लेवल पर स्टार्ट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, और ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, कीमत 3,000 रुपये। जगह की और वर्कर्स के खर्चे की बात कर लेते हैं। अगर जगह की बात करें तो अगर आपका घर बड़ा है तो आप आसानी से घर में ही मशीन्स लगवा सकते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत में ये बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो आप आराम से किसी छोटे से कमरे में भी शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी घर में चॉकलेट्स बना लेती हूँ, और उसके लिए मुझे कोई भी सेटअप लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सिर्फ मैंने बाज़ार से चॉकलेट कंपाउंड्स खरीदे और मोल्ड्स खरीदे हैं, जिसके बाद चॉकलेट आप आसानी से किचन में बना सकती हैं। इसके अलावा डेली अगर 5 वर्कर्स काम करें तो 1,000 चॉकलेट का प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो इसके हिसाब से हर एक वर्कर की सैलरी डेली 200 रुपए के हिसाब से महीने की हो जाती है, 200 × 5 × 25,000 रुपए। अब रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं। पर डे चॉकलेट बनाने के लिए 10 किलो डार्क चॉकलेट की ज़रूरत होगी, और 1 किलो डार्क चॉकलेट 180 रुपए की आती है, मतलब आपका पर डे 180 × 10 1,800 रुपए का खर्चा होगा। इसके अलावा पर डे 1,000 चॉकलेट के लिए 5 किलो मिल्क चॉकलेट की ज़रूरत होगी, और 1 किलो मिल्क चॉकलेट 240 रुपये की आती है, मतलब पर डे मिल्क चॉकलेट का खर्च 240 × 5 यानी कि 1,200 रुपये होगा। वहीं पर डे घरेलू गैस का खर्च 15 रुपये तक आएगा, तो ओवरऑल रॉ मटेरियल के लिए आपको पर डे 3,015 रुपये खर्च करने होंगे। इन सब के अलावा आपको चॉकलेट की पैकेजिंग पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि चॉकलेट मीठा प्रोडक्ट है, इसलिए इसके रैपर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट को आपको मार्केट में उतारना है और उसको अच्छे से बेचना है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसकी मार्केटिंग। तो चलिए आपको बताते हैं इसकी मार्केटिंग कैसे आप कर सकते हैं। उत्पादन की बिक्री पर ही नफा यानी प्रॉफिट निर्भर रहता है, इसलिए जितनी अधिक बिक्री होगी उतना ही फायदा, यही तो बिजनेस स्ट्रैटेजी है।
चॉकलेट बेचने के लिए अपनी अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो जिससे आप अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हों। इसे फुटकर व्यापारियों के पास बेचने के लिए रखा जा सकता है, इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट की पहचान करानी होगी। मॉल कल्चर में बड़ी मजबूती से अपने पैर मेट्रो सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर आदि बड़े शहरों में जमाए हैं, जहां आप अपने चॉकलेट बेचने के लिए रख सकती हैं। सोशल मीडिया के युग में आप अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया साइट पर डालकर उसे फेमस बना सकते हैं। फेसबुक पर, व्हाट्सएप जैसी सोशल साइट के द्वारा भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। उत्पादन और कीमत। प्रतिदिन चॉकलेट उत्पादन 1000, फुटकर में चॉकलेट की कीमत 6 रुपए, एक चॉकलेट की कीमत 10 रुपए, फुटकर व्यापार करने वालों को मिलने वाला प्रॉफिट 4 रुपए। अब बारी आती है लघु उद्योग लाइसेंस की। आप सभी जानते हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। चॉकलेट के बिजनेस में फूड एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लाइसेंस लेना भी जरूरी है। आवश्यक कच्चा माल प्रतिदिन। डार्क चॉकलेट 10 किलो × 180 रुपए यानी कि 1800 रुपए। मिल्क चॉकलेट 5 किलो × 240 रुपए यानी कि 1200 रुपए। गैस तकरीबन 15 रुपए। चॉकलेट रैपर्स 200 रुपए। क्रिस्टल्स 67 रुपए। कुल खर्च 3282 रुपए। अब 25 दिनों में होने वाले कुल खर्च और प्रॉफिट की बात करते हैं। कच्चा माल 82050 रुपए। कर्मचारी वेतन 25000। प्रशासकीय खर्च 1000 रुपए। 25 दिनों में कुल उत्पादन 1000 × 25 यानी कि 25000 रुपए। हर महीने चॉकलेट की बिक्री से होने वाला लाभ, जैसे कि एक होलसेल चॉकलेट की कीमत 6 रुपए, तो 25000 × 6 150000 रुपए। मेगा प्रॉफिट 41950 रुपए। एक साल का प्रॉफिट 5,34,000 रुपए। चॉकलेट के लिए जरूरी सामग्री ऑनलाइन भी उपलब्ध है, इसके लिए आप इन वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। बिजनेस के लिए पूंजी की जरूरत होती ही है, यदि पूंजी ना हो तो आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा सरकार भी लघु उद्योग के लिए मदद करती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत भी आप लोन ले सकते हैं। यदि इस योजना का लाभ लेना है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे डिटेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ये डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दी गई है। तो देखा आपने, चॉकलेट खाने के साथ साथ और भी उपयोग में लाई जा सकती है, आप इससे पैसा भी कमा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसका बिजनेस जो है वो अपने घर से शुरू कर सकते हैं, यानी कि आप अगर इसको घर से शुरू करते हैं, अपनी एक छोटी सी किचन से शुरू करते हैं, तो आप अपने आस पड़ोस को अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। और क्योंकि अब त्यौहार का सीजन आ रहा है, दिवाली आ रही है, ऐसे कई त्यौहार आ रहे हैं जब लोग एक दूसरे के घर में कुछ मीठा लेकर जाते हैं, तो मिठाइयों की बजाय अगर आप घर में चॉकलेट्स बनाते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास आएंगे और वो आपके चॉकलेट्स भी खरीदेंगे। तो ऐसे आप मार्केटिंग भी कर सकती हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, और अपने चॉकलेट्स का बिजनेस जो है वो घर से भी शुरू कर सकती हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से कहती हूँ, बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा तमाम अपडेट्स के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारा चैनल। नमस्कार। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।